हेलो फ्रेंड, वाई टी यानी एट कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज आपको मैं इस तरह से देखिए गोटा पट्टी और मल्टी कलर की जो लेस है इससे मैं आपको पाउचे की मोहरी का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में चला हुआ है। क्योंकि गोटा पट्टी है ना, ये हर कोई अपने पाउचे की मोहरी में लगाता है क्योंकि गोटा पट्टी आजकल बहुत ही ट्रेंड में चला हुआ है। तो चलिए उसके लिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए किस तरह से, तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने बुकरम ली है। मैं जो ये मोहरी है ये 4 इंच की बनाऊंगी, 4 इंच, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 4 इंच की ली है मैंने और लंबाई इसकी है 16 इंच, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको डबल कपड़े के ऊपर इस तरह से लगा लिया है। डबल कपड़े के ऊपर लगाने के बाद जो हमारा ये नीचे पार्ट होता है, जो हमारे जिन्हें हम कुंदा बोलते हैं, उसका सीधा हिस्सा, और इसके ऊपर हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। हाँ तो फ्रेंड, ये हमने सिलाई लगा ली है इसके ऊपर। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे अंदर की तरफ, ये देखिए कुछ इस तरह से, और यहाँ बाहर की तरफ हम यहाँ बिल्कुल किनारे के ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे यहाँ। हाँ तो गाइस, हमने ये एक सिलाई इस साइड लगा ली है और अब हम एक सिलाई हम इधर लगाएंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है हमें ताकि जो हमारी ये बुकरम है ये हमारे इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए हम यहाँ पर भी इसके ऊपर बिल्कुल बारीक सिलाई लगा लेते हैं, ज़्यादा बारीक भी नहीं, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए यहाँ 4 इंच है, 4 इंच के ऊपर हम यहाँ बीच में इस तरह से एक निशान लगाएंगे हम, ताकि हमारा जो बीच का गैप है वो ज़्यादा या कम ना हो दोनों साइड से, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे ताकि आप मेरी हर एक वीडियो आसानी से देख सकें। और इसके बाद ये देखिए हम ये इस तरह से मल्टी कलर की लैस ली है हमने, लैस या डोरी आप जैसे भी बोलना चाहें इसे। अब हमें जहाँ बीच में हमने निशान लगाया था वहीं पर हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने इसको बीच सेंटर में लगा लिया है और इसके ऊपर से हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा इस साइड वाला ये वाला हिस्सा है, हम यहाँ इस किनारे के ऊपर अपनी ये घोटा पट्टी लगाएंगे। और ये वाला डिज़ाइन आप एक बार ज़रूर ट्राई करना क्योंकि आजकल ये बहुत ही ट्रेंड में चला हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए इस घोटा पट्टी को हम इस किनारे के ऊपर से रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसी तरह से एक पट्टी हम यहाँ लगाएंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगा। ये देखिए हमने दोनों साइड इस तरह से घोटा पट्टी लगा ली है। अब हमारा जो इन दोनों का जो गैप है हम यहाँ पर भी इसी तरह से घोटा पट्टी लगाएंगे। उसके लिए हम यहाँ 1 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा लेते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच का 2 इंच का मार्जिन है, ठीक है। अब हम यहाँ बीच में से भी इसी तरह से लगाएंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। और मैं इस मोहरी में ये बिल्कुल सीधी घोटा पट्टी लगा रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी से किसी भी अनुसार किसी भी डिज़ाइन में आप इस घोटा पट्टी को लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग चाहें तो इसको एज इट इज़ ऐसे का ऐसे रख सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो इसके बीच में जो ये जगह है यहाँ पर हम सिलाई से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ झिकझैक वाला डिज़ाइन बना रही हूँ, मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसके बीच में झिकझैक वाला डिज़ाइन बना लिया है। तो ये हमारे पाउचे की मोहरी का डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।